झरोखा चैनल में आपका स्वागत है और इस बार हम कक्षा 12वीं के लिए अंतराल पुस्तक से सूरदास की झोपड़ी नामक एक कथांश ले रहे हैं। यह कथांश असल में प्रेमचंद जी का एक बहुत ही जाना बूझा विख्यात उपन्यास है रंगभूमि, उसका एक अंश है जिसे अंतराल पुस्तक में रखा गया है। तो आज हम सूरदास की झोंपड़ी नामक जो हिस्सा है कहानी का उसका सारांश जानते हैं। सूरदास इस कहानी का भी और रंगभूमि उपन्यास का भी प्रमुख चरित्र है और वो गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित चरित्र का निर्माण प्रेमचंद जी ने किया था, इसलिए सूरदास के जीवन के जो उसूल हैं, सिद्धांत हैं, जीवन जीने का जो तरीका है, समाज के साथ उसका जो व्यवहार है, लोगों के प्रति जो नजरिया है, उन सब में गांधी जी के विचार और सिद्धांतों की ही झलक हमको देखने के लिए मिलती है। सूरदास गरीब आदमी है, नेत्रहीन है, इसलिए उसका नाम सूरदास लोगों ने रख दिया है और गरीब व्यक्ति है, फूस की झोपड़ी में रहता है और अपना जीवन किसी तरह भिक्षा मांग करके वह चलाता है, लोगों के साथ वह अच्छा व्यवहार भी करता है। उसी गांव में भैरव नाम का एक और व्यक्ति है, वह बड़ा दुष्ट किस्म का है, अपनी पत्नी सुभागी को वह अक्सर मारता पीटता रहता है, कभी उसके किसी ऐसे काम पर जो उसे पसंद नहीं है और कभी अकारण ही, और उसकी पत्नी उससे बहुत ही त्रस्त है। एक दिन जब वह उसकी बहुत ज्यादा पिटाई कर देता है तो सुभागी भागकर सूरदास के झोपड़े में छुप जाती है। उसे मालूम है कि अगर उसकी कोई रक्षा कर सकता है तो वह सूरदास ही है, गांव के और लोग तो उसे बचाने नहीं आएंगे। ऐसे में सूरदास के झोपड़ी में सुभागी के होने की खबर जब भैरों को मिलती है तो वह सूरदास की झोपड़ी में पहुंचता है, परंतु सूरदास उसे सुभागी को हाथ लगाने नहीं देता और वह कहता है कि किसी स्त्री पर अत्याचार करना अच्छी बात नहीं है, भले ही वह उसकी पत्नी ही क्यों ना हो, और सूरदास भी किसी स्त्री के ऊपर अत्याचार होता हुआ देख नहीं सकता, इसलिए वह भैरों को किसी भी तरह का अत्याचार करने नहीं देता। भैरव जो है वो बहुत नाराज होकर के और अपने अंदर जो है वो क्रोध रखता हुआ वहां से लौट आता है। लौट तो आता है लेकिन उसके अंदर सूरदास से बदला लेने की एक भावना भी जागृत हो जाती है कि मैं इसको सबक सिखाऊंगा, ये मेरे मामले में क्यों इसने दखल दिया, इसने मेरी पत्नी को मेरे हवाले क्यों नहीं किया, मैं उसके साथ चाहे जैसा व्यवहार करूं ये कौन होता है बोलने वाला। इस तरह के उसके मन में जो है वो विचार आते हैं, जो विचार नहीं कुविचार हैं। गांव का जैसा वातावरण होता है और प्रेमचंद जी ग्रामीण वातावरण को समझने वाले उसके चितेरे लेखक के तौर पर हिंदुस्तान के सबसे ऐसे प्रिय लेखक हैं जिन्हें गांव की पूरी मानसिकता का, मनोविज्ञान का बेहतर तरीके से ज्ञान है। गांव वालों को इस घटना में रस लेने का आनंद मिल जाता है, मौका मिल जाता है। वे कहते हैं कि सुभागी सूरदास के घर में छिपी हुई थी तो सूरदास और सुभागी के चरित्र पर वे उंगलियां उठाते हैं और उन्हें एक मौका मिल जाता है। सूरदास की बदनामी होती है, उसे बुरा भी लगता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, क्योंकि लोग अगर अपने मन में इस तरह की बातें रखेंगे, करेंगे, ऐसा उनका सोच होगा तो कोई दूसरा व्यक्ति उसमें क्या कर सकता है। भैरव सूरदास से बदला लेने की ताक में तो था और एक दिन उसे मौका मिल भी गया, उसने सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी और उसमें आग में झोपड़ी पूरी तरह जल गई। सूरदास ने किसी तरह
किफायत करके धीरे धीरे कुछ रुपए जोड़े थे, वो शायद 500 रुपयों से कुछ ज्यादा थे और एक थैली में उसने रख दिए थे। वह थैली भी लेकर भैरव वहां से चंपत हो गया। भैरव का एक दोस्त है जगधर, जगधर ही भैरव को अक्सर भड़काता रहता है, वही उसकी पत्नी के विरुद्ध उसे भड़काता है, सूरदास के विरुद्ध भड़काता है, गांव वालों के विरुद्ध भड़काता है। तो एक ऐसा चरित्र भी प्रेमचंद जी ने गांव से ही उठाया है जो दूसरों को लड़वाने का काम भी करते हैं। सूरदास के 500 रुपए की थैली भैरव ने पाई है, ये बात भैरव जगधर से बताता है। यह सुनकर के जगधर को बहुत बुरा लगता है कि अरे भैरव को एक साथ 500 रुपए मिल गए। जिस समय का ये चित्रण है उस समय 500 रुपए का मूल्य आज के 5 लाख रुपयों के मूल्य के बराबर मानिए। इतनी बड़ी रकम भैरव को कैसे मिल गई? देखिए जगधर उसका दोस्त है, परंतु वह मूल रूप से किसी का दोस्त नहीं है, क्योंकि जब वह एक दूसरे को भड़काने और लड़ाने का ही काम करता है तो वो असल में किसी का दोस्त हो ही नहीं सकता। वह तो स्वार्थी व्यक्ति है, वह तो गैर सामाजिक व्यक्ति है, असामाजिक है। वही है बजा के सूरदास को बताता है कि भैरों ने ही तुम्हारे 500 रुपए की थैली भी चुरा रखी है और वो थैली उसके पास है। लेकिन सूरदास जो है वो इस बात से इनकार कर देता है कि उसकी कोई थैली भी गुमी है। वो कहता नहीं, मेरे पास तो कोई पैसे ही नहीं थे और जो कुछ भी रहे भी होंगे तो सब जल गए हैं, मेरा कुछ गुमा नहीं है। क्योंकि उसे यह भी भय है कि जब लोगों को पता चलेगा कि एक भिखारी के घर में 500 रुपए थे तो लोग इस बात पर संदेह करेंगे कि इसके पास कहां से पैसे आए। भले ही उसने उसे किसी तरह छुपा छुपा कर, बचा बचा कर, अपना पेट काट कर ही क्यों ना इकट्ठा किया हो, तो वह इनकार कर देता है। लेकिन भैरव जगधर को पता है कि भैरव को 500 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। लेकिन इसके बाद भैरव बहुत खुश हो रहा है कि उसे रुपए मिल गए, उसने बदला ले लिया। सूरदास के मन में है कि ये जो झोपड़ी थी मैंने बनाई थी, इसमें मैं रहता था, अब इसको मैं क्या करूंगा, फिर से कैसे बनाऊंगा, जीवन आगे कैसे चलेगा, इस तरह की बातें उसके मन में आती है। एक निराशा पैदा होती है क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी इच्छाएं और आकांक्षाएं, अभिलाषाएं थीं जो झोपड़ी के साथ जल गई। लोग उसे कहते हैं तुम पुलिस में रिपोर्ट कर दो, शिकायत कर दो, भैरव के बारे में बताओ ताकि उसको इसकी सजा मिले। लेकिन सूरदास कहीं भी रिपोर्ट करने से मना कर देता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि वह हृदय से स्वच्छ व्यक्ति है, किसी का बुरा नहीं चाहता, अपना बुरा करने वाले का भी वह बुरा नहीं चाहता, क्योंकि उसमें गांधीवादी जो चरित्र है, जो गांधीवादी व्यक्तित्व है उसका, उसके तहत वह ऐसा करने से इनकार कर देता है। और सूरदास को जब निराशा घेरे हुई थी तभी वह बच्चों को आपस में बातें करते हुए सुनता है। एक बच्चा दूसरे से कह रहा होता है कि अरे तुम खेल में भी जो है वो डरते हो और हार मान करके जो है रोते हो, खेल में क्या हारना और हार का क्या दुख मनाना, ये बात जो है रोना नहीं चाहिए खेलते हुए। सूरदास के कानों में ये बात पड़ती है, बच्चों की बात है, बचपने की बात है, दो बच्चे खेल रहे हैं, एक हार गया है, एक जीत गया है, जीतने वाला खुशी मना रहा है, हारने वाला दुखी है, रो रहा है, लेकिन वो कहता है खेलने में क्या हार। यही वाक्य सूरदास के जीवन में एक नया उत्साह पैदा करते हैं कि संसार में जो जीवन है वो भी एक खेल है, जीवन का कार्य व्यापार खेल है, इस खेल में हार भी होती है, जीत भी होती है,
विपदाएं भी आती हैं, सुख के दिन भी आते हैं। इसलिए ना तो विपदा में हार माननी चाहिए, ना सुख में अहंकार पालना चाहिए। तब वह अपनी झोपड़ी को फिर से बनाने की अंदर मन में ठान लेता है, तय करता है कि नहीं मैं फिर से बनाऊंगा, और वह उस राख को उठा करके समेट करके हलक करके उड़ाने लगता है हवा में, जो इस बात का प्रतीक है। लेखक ने यह जो दृश्य रचा है कि वह राख उड़ा रहा है, वह इस बात का प्रतीक है कि जो बुरा घट गया है, जो नुकसान हो गया है, उसकी परवाह न करते हुए उस राख को हवा में उड़ाकर फिर से ध्वंस में से ही सृजन का एक और रास्ता निकाला जा सकता है। और इसलिए जब वह झोपड़ी बना रहा होता है, तब बच्चे उससे पूछते हैं कि अगर कोई फिर से हमारी झोपड़ी जला दे तो? सूरदास कहता है मैं फिर से बना लूंगा। बच्चा कहता है फिर से बनाने पर फिर कोई आग लगा दे तो? सूरदास कहता है मैं फिर बनाऊंगा। बच्चा कहता है अगर कोई 100 बार 100,000 बार 100,00,000 बार झोपड़ी जलाता रहे तब क्या करोगे? सूरदास कहता है मुस्कुराकर, मैं 100 बार 100,000 बार 100,00,000 बार झोपड़ी को फिर से बनाऊंगा। ये वो सकारात्मक पक्ष है जीवन का कि कोई हमारा कितना भी नुकसान कर दे, ध्वंस कर दे, मिटा दे, बिगाड़ दे, लेकिन हम सर्जक हैं, सृजन करते रहेंगे, निर्माण करते रहेंगे, बनाते रहेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो ये था सूरदास की झोपड़ी अंतराल पुस्तक से जो कहानी है उसका सारांश। अगली बार हम इसी पर आधारित प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। कृपया से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।